हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं टेक फ्यूल और मैं आपका दोस्त लकी। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप ऑल आर गुड, सब बढ़िया, मजे में, इंजॉय, और ऐसे ही आप लोग इस्तेमाल करते रहे अगर अच्छा लगता है। दोस्तों क्या आपका बजट 20,000 रुपए? 20,000 रुपए के अंदर को बढ़िया से स्मार्ट टीवी ले जाते हैं। एक बेस्ट स्मार्ट टीवी हो 20,000 रुपए के अंदर में आ जाए, सारे कैटेगरी बढ़िया हो, एंड्रॉइड टीवी हो, अपने फोन से कनेक्ट हो जाए, और सारे 32 इंच के अंदर आने वाले टीवी जो कि 20,000 रुपए के अंदर में आ जाए। यहाँ आपको सारे 32 इंच के एलईडी स्मार्ट टीवी काफी बढ़िया होते हैं जो कि 20,000 रुपए के अंदर में आ जाते हैं। वैसे दोस्तों जब इस रेंज में सर्च करोगे तो बहुत कंफ्यूजन रहेगी 20,000 में बढ़िया स्मार्ट टीवी कौन सा है, कौन सा ले, कौन सा नहीं। तो आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे ऐसी बेस्ट 5 टीवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि 20,000 रुपए के अंदर में आते हो, अपने कैटेगरी में काफी बेस्ट है। बहुत ही शॉर्ट्स में इसके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, तो वीडियो एंड तक देखने के बाद वहां जाकर सर्च चेक कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर में जब भी टेक रिलेटेड वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अप टू डेट रहे। दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ। देखते कौन कौन से बढ़िया दासू एलईडी टीवी हमारे बीच जो कि 20,000 रुपए के अंदर में आते हो, अपनी कैटेगरी में काफी बेस्ट है। दोस्तों इससे पहला टीवी है ये हमारा Xiaomi की तरफ से आला, ये हमारा Xiaomi टीवी 4A Pro जो कि दोस्तों MI की तरफ से आला, काफी बढ़िया स्मार्ट टीवी था, बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ है। वैसे काफी पहले लॉन्च हुआ था लेकिन इस टाइम में भी इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा पॉपुलर टीवी है, बहुत ज्यादा सेल हुआ है, दमदार स्पेसिफिकेशन में थे। MI टीवी 4A Pro में आपको 32 इंच की HD डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 1366x768 पिक्सल है, और इस टीवी की रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60Hz का रिफ्रेश रेट आ जाएगा। Xiaomi के इस हाई ब्राइटनेस LED स्मार्ट टीवी काफी बेहतरीन पिक्चर इंजन दिया गया है। यह स्मार्ट टीवी Android 9 पाई पर काम करती है जो कि पैच वाल UI 1 पर रन करती है। यह टीवी ऑफिशियल गूगल ऐप स्टोर को भी सपोर्ट करती है, इसमें कई सारे ऐप प्री इंस्टॉल आते हैं जो कि आपके OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिजनी हॉटस्टार, अदरवाइज सारे चीज इसमें प्री इंस्टॉल है। Xiaomi के इस टीवी में आपको 64 बिट का क्वाड प्रोसेसर के साथ 1GB रैम दिया गया है। Xiaomi के इस टीवी में आपको 20W का स्टूडियो स्पीकर के साथ Dolby Plus DTS HD टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इस टीवी में आपको इनबिल्ट क्रोम कास्ट जैसे फीचर मौजूद है, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट और एक्सटर्नल स्पीकर के लिए ऑडियो जैक दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है, आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है और सारे वीडियोस वगैरह कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से अपने फ़ोन से, पूरी तरह से LED स्मार्ट टीवी है जो कि काफ़ी बढ़िया है, बहुत पॉपुलर फोन रहा है इस सेगमेंट में, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ, अगला हमारा सैमसंग की तरफ से आला, ये हमारा सैमसंग का 32 इंच LED स्मार्ट टीवी जो कि 80 सेंटीमीटर के अंदर आता है, वंडर एंटरटेनमेंट सीरीज का, जो कि सैमसंग की तरफ से आला, काफ़ी बढ़िया LED स्मार्ट टीवी है। 32 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन 1366x768 पिक्सल है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें भी आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। सैमसंग का यह टीवी LED डिस्प्ले पैनल के साथ आता है जो कि वाइड कलर इनहेंस और स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। इस टीवी आपको इनबिल्ट 20W के स्पीकर RSM साउंड टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है। कनेक्टिविटी के लिए सैमसंग इस टीवी में आपको 2 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट दिया गया है। इस टीवी में स्क्रीन शेयर और कंटेंट शेयर जैसे फीचर मौजूद है। इसके अंदर भी प्ले स्टोर का सपोर्ट है, आपको सारे OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पे रन हो सकते हैं, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया, डिज्नी हॉटस्टार और जो भी YT या YouTube सारे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन इसके अंदर मिल जाएंगे, ऑलरेडी प्री इंस्टॉल है, काफ़ी बढ़िया LED स्मार्ट टीवी है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ, अगला हमारा OnePlus की तरफ से आला, OnePlus का 32 इंच Y1 LED स्मार्ट टीवी जो कि दोस्तों OnePlus की तरफ से आला, काफ़ी बढ़िया स्मार्ट टीवी रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है OnePlus का स्मार्ट टीवी, और कह लो स्मार्टफोन तो इसके पॉपुलर है ही OnePlus के, जो कि बेस्ट फोन आते हैं इंडिया के अंदर। OnePlus 32 इंच Y1 टीवी आपको 32 इंच का HD स्क्रीन दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन 1366x768 पिक्सल है। रिफ्रेश रेट की बात करो तो 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। OnePlus का यह टीवी Android 9 पर काम करती है जो कि इनबिल्ट क्रोम कास्ट जैसे सपोर्ट के साथ गूगल असिस्टेंट जैसे फीचर को भी दिया गया है इसके अंदर। इस स्मार्ट टीवी में आपको डिस्प्ले में नॉइस रिडक्शन, कलर स्पेस मैपिंग, डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट और 93% कलर का मेट सपोर्ट मिलता है। इस टीवी में आपको 20W के स्पीकर दिए गए हैं जो कि Dolby टेक्नोलॉजी के साथ सपोर्ट करता है। इस टीवी में आपको Mali 470 GPU के साथ 1GB रैम दिया गया है, और कनेक्टिविटी के लिए टीवी में ब्लूटूथ, वाईफाई, 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं जो कि सारे पोर्ट्स मौजूद है। काफ़ी बढ़िया LED स्मार्ट टीवी है 32 इंच के अंदर आने वाला। कलर सेगमेंट काफ़ी बढ़िया है जिसमें गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट है और सारे OTT प्लेटफॉर्म मौजूद है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, जो भी OTT प्लेटफॉर्म है सब यहाँ पे प्री इंस्टॉल आ जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया LED स्मार्ट टीवी है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ, अगला हमारा अमेजन की तरफ से आला, ये हमारा अमेजन बेसिक फायर LED स्मार्ट टीवी
जो कि दोस्तों अमेजोन की तरफ से वाला काफी बढ़िया एलईडी स्मार्ट टीवी रहा, 32 इंच की स्क्रीन मॉडल के साथ पेश किया गया था, काफी बढ़िया। अमेजोन की तरफ से वाला बहुत पॉपुलर एलईडी स्मार्ट टीवी है, जो कि बेस्ट सेलिंग टीवी में से एक रहा है। इसमें आपको 32 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसका रेजोल्यूशन 1366x768 पिक्सल है। इस टीवी का रिफ्रेश रेट 60Hz का और व्यू एंगल 178 डिग्री तक का है। यह टीवी 5OS पर काम करती है, जिसका इंटरफेस फायर टीवी स्टिक जैसा है, और इस टीवी में आपको क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया जो कि 1GB रैम के साथ आता है। अमेजोन बेसिक के इस टीवी में आपको 20 वाट का स्पीकर देखने को मिल जाएगा, जो कि डॉल्बी ऑडियो DTS ट्रू सराउंड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें आपको कनेक्टिविटी के लिए टीवी में 2 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं। अदरवाइज सारे OTT प्लेटफॉर्म वगैरह इसमें मौजूद है, बहुत सारे स्मार्टफोन के सारे फीचर इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि 1GB रैम के साथ आता है, कहीं से प्रॉब्लम नहीं करेगा। काफ़ी बढ़िया LED स्मार्ट टीवी है, जो कि अमेजोन की तरफ से आना है, तो उसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला हमारा TCL की तरफ से आना, ये हमारा TCL का 32 इंच LED स्मार्ट टीवी, जो कि 80 सेंटीमीटर के अंदर में आता है। दोस्तों TCL का यह टीवी भी काफ़ी पॉपुलर है, 32 इंच वाले इस स्मार्ट टीवी में LED पैनल दिया गया है, जो कि HDDR10 को सपोर्ट करता है, जिसका रेजोल्यूशन 1366x768 पिक्सल है। इसमें भी आपको 60Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। यह टीवी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर रन करती है, और इस टीवी में आपको 16 वाट के स्पीकर देखने को मिल जाएगी, साथ ही इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। TCL के इस टीवी में आपको 2 HDMI पोर्ट्स और 1 USB पोर्ट देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी बढ़िया बेस्ट LED स्मार्ट टीवी रही है। इसमें काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन, बहुत बढ़िया फीचर्स है इसके अंदर भी, तो दोस्तों इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो दोस्तों यह थी मेरे नजर मानने बेस्ट LED स्मार्ट टीवी, जो कि 20,000 रुपए के अंदर में आते हो, अपनी कैटेगरी में काफी बेस्ट है। तो दोस्तों ये टीवी कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताएं, इसके बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर में जो भी टेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अप टू डेट रहे। दोस्तों इसी के हमें इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।